हेलो फ्रेंड्स, पेरोल डाटाबेस पार्ट 3 ट्यूटोरियल में आप लोग का स्वागत है। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ कैलकुलेट कमांड फंक्शन मैंने कैसे क्रिएट किया है और सैलरी पे स्लिप को कैसे निकलना है और स्पेशल व्यू को कैसे क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम अ वीडियो। तो देख सकते हैं ये मैंने एम्प्लॉय सिलेक्टेड किया है, अभी हाउसिंग अलाउंस डिटेल्स अलाउंस टाइप किया है, अदर कंट्रीब्यूशन टाइप किया है, टैक्स टाइप किया है। अगर मैं ये बटन में क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं ये ऑटो जनरेट हो जाता है ग्रोस पे और नेट पे। तो इस तरह से इस कमांड की मदद से आप टोटल गुड्स पे और नेट पे निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर से क्लिक करेंगे तो ये डिडक्शन हो जाता है। इंटरेस्ट देख सकते हैं, इंटरेस्ट 712 है, तो गुड्स पे के साथ ये डिडक्शन हुआ है, उसके बाद नेट पे निकल जाता है। तो देख सकते हैं ये पेड लिस्ट में स्टोर हो जाता है। फिर से अगर मैं एम्प्लॉय सिलेक्टेड करता हूँ, उसके बाद हाउसिंग अलाउंस लैंस अलाउंस और डिटेल्स अलाउंस पेड करता हूँ, अदर कंडीशन पेड करता हूँ, उसके बाद टैक्स क्लिक कैलकुलेट, तो ये ऑटो कैलकुलेट हो जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं डिटेक्शन हो जाता है 933, क्लिक सेव, तो ये पेड लिस्ट में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इच एम्प्लॉय को डिटेल्स पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद ये बटन में क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं पेरोल स्पेशल व्यू डिस्प्ले, देख सकते हैं कौन कितना पेमेंट लिया है और किसका कितना गोल्स पे है और कितना डिडक्शन हुआ है, ये सारे डिटेल्स इस स्पेशल व्यू में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हो दिलीप दास डिटेल्स नेट पे। नेक्स्ट ये एम्प्लॉय का डिटेल्स ग्रोस पे कितना है, नेट पे कितना है, टोटल्स डिडक्शन 933। तो अगर ये इस एम्प्लॉय का सैलरी स्लिप निकालना चाहते हैं तो ये बटन में क्लिक करके इस एम्प्लॉय का सैलरी स्लिप निकल सकते हैं। तो ये है सैलरी स्लिप। तो अभी मैं ये सारे डिटेल्स को मैंने कैसे क्रिएट किया है जो मैं आप लोग को स्टेप के साथ सिखाने वाला हूँ फ्लो माई वीडियो। तो फ्रेंड, अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस तरह न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं डिज़ाइन व्यू में जाऊंगा, राइट क्लिक माउस, क्लिक डिज़ाइन व्यू। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट फंक्शन के बारे में सिखाने वाला हूं। कंट्रोल पैनल से मैंने एक कमांड लिया है, उसके बाद कमांड नेम दिया है, आप देख सकते हैं बटन कैलकुलेटर। उसके बाद इवेंट प्रोसीजर में जाना है, नेक्स्ट आपको टाइप करना है कॉल फंक्शन टेक्स्ट ग्रोस पे क्लिक, टेक्स्ट अदर कंट्रीब्यूशन अमाउंट क्लिक, टोटल कंट्रीब्यूशंस, टोटल डिडक्शंस, टोटल टैक्स डिडक्शन और टेक्स्ट नेट पे। तो ये फंक्शन मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया था प्रीवियस पार्ट लेसन में, आप फ्लो कर सकते हैं। तो ये फंक्शन को अगर कॉल करेंगे तो ये फंक्शन में जो कैलकुलेशन किया है वो कैलकुलेशन ऑटो जनरेट हो जाएगा और रन हो जाएगा। तो देन आप ये कैलकुलेट की मदद से सारे डिटेल्स को कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड ये था कैलकुलेशंस कोड। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ये बटन प्रिंट सैलरी रिसिप्ट डॉक्यूमेंट ओपन फॉर्म पेरोल स्पेशीट फॉर्म मैंने ओपन किया था। तो अभी ये पेरोल स्पेशीट व्यू फॉर्म को मैंने कैसे तैयार किया, तो इस फॉर्म को तैयार करने से पहले आपको एक क्वायरी क्रिएट करना होगा। क्लिक दिस पेरोल स्पेशीट व्यू, ये पेरोल स्पेशीट व्यू है। तो फ्रेंड इस क्वायरी को पहले क्रिएट करना होगा, गो टू द डिजाइन व्यू जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है। पहले आपको टी पेरोल टेबल को ऐड करना है, उसके बाद टी पेरोल टेबल से आपको इंक्लूड फील्ड लिस्ट में ड्रैग करना है। सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय फुल नेम, ग्रोस पे, नेट पे, पेड, डेट ऑफ पे, एम्प्लॉय आईडी, ये सारे डिटेल्स फील्ड को फिलिश में ट्रैक करना है, ये देख सकते हैं स्क्रीन पे। नेक्स्ट अदर कंट्रीब्यूशंस फील्ड, अदर कंट्रीब्यूशन अमाउंट फील्ड, टैक्स डिडक्शंस, टोटल डिडक्शंस, लास्ट में टैक्स रेट। तो अभी न्यूली यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ टैक्स पेड। तो टैक्स पेड ऐड करने के लिए तो आपको जाना होगा मेन टेबल, गो टू द स्पेशीट व्यू जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक चेकबॉक्स फील्ड लगाया था। तो ये चेकबॉक्स फील्ड डिटेल्स ऐड करने के लिए आपको मेन टेबल में जाना होगा और गो टू द टी पेरोल टेबल, उसके बाद टी पेरोल टेबल में ये फील्ड ऐड करना है टैक्स पेड और डाटा टाइप सिलेक्टेड करना है यस नो। तो अभी हो जाएगा, तो मैंने टेबल को सेव किया है। नेक्स्ट गो टू द क्वेरी, क्लिक डिज़ाइन व्यू। तो ये देख सकते हैं
ये डिटेल्स व्यू है। तो नेक्स्ट ये टेबल से फील्ड ड्रैग करना है, गो टू द टी पेरोल टेबल, स्क्रॉल किया है, नेक्स्ट टेक्स्ट स्पीड को ड्रैग करना है। ठीक है, तो अभी ये क्वेरी को सेव करना है, क्लिक व्यू। तो देख सकते हो मैंने ये टेक्स्ट स्पीड सेलेक्ट नहीं किया है। तो अगर आप स्पेशल व्यू फॉर्म में टेक्स्ट स्पीड चेकबॉक्स में क्लिक करेंगे तो ये क्वेरी में आप टेक्स्ट स्पीड डिस्प्ले देख सकते हैं। ओके ऑलराइट, तो नेक्स्ट ओपन पेरोल स्पेशल, ये एम्प्लॉय है दिलीप दास। तो अभी मैं इसको टेक्स्ट पेड करता हूँ, फिर से नेक्स्ट पेड एम्प्लॉय डिटेल्स टेक्स्ट पेड किया है। तो अभी इसको क्लोज किया है, नेक्स्ट गो टू द मेन टेबल टी पेरोल। तो देखेंगे यहाँ पे सेलेक्टेड है क्योंकि मैंने टेक्स्ट पेड किया है। तो इस तरह से ये स्पीशीट व्यू फॉर्म में आप डिटेल्स एम्प्लॉय का टेक्स्ट पेड चेकबॉक्स सेटेड करके टेक्स्ट पेड डिस्प्ले देख सकते हैं। नेक्स्ट इस फॉर्म को मैंने कैसे डिज़ाइन किया है, कॉन्ट्रोल सो स्क्वायर मीटर आप देख सकते हैं। टी पेरोल टेबल को ऐड किया है, उसके बाद टी पेरोल टेबल का डिटेल्स फील्ड मैंने फील्ड लिस्ट में ऐड किया है। ठीक है, ओके ऑलराइट, स्क्रीन पे देख सकते हैं। और ये टेक्स्ट पेड ऑलरेडी सिलेक्टेड है क्योंकि मैंने मेन टेबल में टेक्स्ट पेड फील्ड न्यूली एडेड किया है। तो ये डिटेल्स क्वेरी बिल्डर लिस्ट है, ये पेड एम्प्लॉय लिस्ट, ओनली टू एम्प्लॉय को मैंने पेड किया है, तो इसलिए डिटेल्स टू एम्प्लॉय का पेड रिजल्ट डिस्प्ले देख सकते हैं। नेक्स्ट ड्रैग करना है पेरोल आईडी, एम्प्लॉय नेम, ग्रोस पे, नेट पे, कंट्रीब्यूशंस, आधार कंट्रीब्यूशन अमाउंट फील, और ये टेक्स्ट डिडक्शन डिटेल्स फील। उसके बाद लास्ट में आप देख सकते हैं टैक्स रेट और ये टैक्स पेड चेक बॉक्सेस ऐड करना है। उसके बाद फॉर्म फुटर में अगर ये टैक्स बॉक्स लेंगे, उसके बाद टैक्स बॉक्स में ये टाइप करेंगे इक्वल टू सम टोटल कंट्रीब्यूशन, देन आप टोटल कंट्रीब्यूशंस टोटल कैलकुलेशन रिजल्ट डिस्प्ले देख सकते हैं। उसके बाद टोटल टैक्स डिडक्शंस, क्लिक टैक्स डिडक्शंस फंक्शंस देख सकते हैं, सम टोटल टैक्स डिडक्शंस, उसके बाद टोटल डिडक्शंस, कोड सम टोटल डिडक्शन। तो ये कोड की मदद से आप डिटेल्स टोटल टैक्स कंट्रीब्यूशंस, टोटल टैक्स डिडक्शन और टोटल डिडक्शंस डिटेल्स अमाउंट डिस्प्ले देख सकते हैं। उसके बाद एक कमांड क्रिएट करना होगा और कमांड में आपको इवेंट प्रोसीड्यूर कोड लिखना है फॉर ओपनिंग डॉक एमडी ओपन रिपोर्ट्स आर रिसिप्ट। तो ये एक रिसिप्ट है, सैलरी स्लिप रिसिप्ट, जो अभी आप लोग को डिटेल्स सिखाने वाला हूँ किस तरह से मैंने सैलरी रिसिप्ट को तैयार किया है। ठीक है, गो टू द मेन पेरोल फॉर्म, सेलेक्ट पेड एम्प्लॉय और अनपेड एम्प्लॉय। तो ये मैं अभी अनएम्प्लॉयड सेटेड किया है, अलाउंस टाइप किया है। तो अभी न्यूली ये एम्प्लॉय को मैं इंक्लूड टैक्स के साथ सैलरी पेड करने वाला हूँ, टैक्स टाइप किया है 2%, क्लिक कैलकुलेटेड। तो ये देख सकते हैं ग्रोस पे और नेट पे कितना हुआ है 2476, टैक्स डिडक्शन के बाद उसके बाद सेव किया है तो ये पेड लिस्ट में स्टोर हो जाता है। देन क्लिक प्रिंट स्लिप, उसके बाद ओपन हो जाता है पेरोल स्पेशीट। तो ये देख सकते हो 3 एम्प्लॉई को मैंने ऑलरेडी पेड किया है। देन इस फॉर्म में आप पेड एम्प्लॉय लिस्ट डिस्प्ले देख सकते हैं। अभी इस एम्प्लॉय का सैलरी स्लिप अगर निकलना है तो ये प्रिंट रिसिप्ट में क्लिक करना है, उसके बाद टैक्स पेड चेकबॉक्स क्लिक करेंगे तो ये टैक्स पेड हो जाता है सिलेक्टेड। देन आप सैलरी स्लिप में भी टैक्स पेड चेकबॉक्स डिस्प्ले देख सकते हैं। नेक्स्ट गो टू द रिपोर्ट, जो मैंने इस रिपोर्ट को कैसे तैयार किया है, प्रॉपर्टीज में जाना है। सबसे पहले आपको रिकॉर्ड शो सिलेक्टेड करना है, गो टू द क्वेरी बिल्डर, टी पेरोल टेबल को सिलेक्टेड करना है। देन फील्ड लिस्ट में ये स्टार सेलेक्टेड करके फील्ड लिस्ट में ऐड करेंगे तो सारे फील्ड डिस्प्ले देख सकते हैं। उसके बाद पेरोल आईडी, नेक्स्ट क्रिएटरी में ये टैप करना है फॉर्म्स पेरोल स्पेशीट व्यू, पेरोल आईडी को टैप करना है क्योंकि ये प्रिंट कमांड मैंने पेरोल स्पेशीट व्यू में क्रिएट किया है और ऐड किया है, तो इसलिए आपको ये फॉर्म नेम देना है। ठीक है,
देन पेरोल आईडी को टाइप करना है। उसके बाद इस एम्प्लॉय का डिटेल्स सैलरी स्लिप निकल सकते हैं। नेक्स्ट आपको ये फील्ड लिस्ट से इंक्लूड फील्ड ड्रैग करके इस तरह से डिजाइन करना है। स्क्रीन पे देख सकते हैं, अपना तरीके से आप डिफरेंस अदर डिज़ाइन भी तैयार कर सकते हैं। जो मैंने आप लोगों के लिए एक सैम्पल सा मैं डेमो डिज़ाइन शो करके दिखा रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेरी में आप देख सकते हैं क्लिक व्यू, तो ये क्वेरी बिल्डर डिटेल्स डिस्प्ले देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्लोज करके अगर आप पेरोल स्प्रेडशीट फॉर्म में कमांड क्रिएट करेंगे तो इस एम्प्लॉय का डिटेल्स पे स्लिप और सैलरी स्लिप निकल सकते हैं। इसके बाद देख सकते हैं फ्रेंड पेज फुटर है, रिपोर्ट फुटर है, तो इस तरह से आपको ये सेम रिपोर्ट डिजाइन करना है। ठीक है, ओके ऑलराइट। नेक्स्ट ओपन पेरोल स्प्रेडशीट व्यू, गो टू द डिजाइन व्यू। नेक्स्ट एक कमांड करना है और इवेंट प्रोसीजर कोड में आप डॉक एम्प्टी ओपन रिपोर्ट रिसीप्ट नेम देना है और रिसीप्ट एक व्यू प्रीव्यू। उसके बाद आप इस कमांड की मदद से इस एम्प्लॉय का सैलरी स्लिप डिस्प्ले देख सकते हैं। तो ये देख सकते दिलीप दास टैग डिटेक्शन, तो ओनली दिलीप दास का सैलरी स्लिप निकल आ जाएगा, शो कर सकते हैं टोटल कितना ग्रोस पे है और नेट पे और कितना तारीख को ये सैलरी पेड किया है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट एम्प्लॉय, तो ये अभी ये ओनली सिलेक्टेड एम्प्लॉय का रिसिप्ट निकल सकते हैं। देख सकते हो फ्रेंड टोटल ग्रोस पे और इस एम्प्लॉय का डिटेल्स नेट पे और एम्प्लॉय का टोटल पे डेट, ये सारे डिटेल्स इस सैलरी स्लिप में डिस्प्ले देख सकते हैं। उसके बाद आप कंट्रोल पी प्रेस करके इस सैलरी स्लिप को प्रिंट कर सकते हैं। तो फिर ये था पेरोल मैनेजमेंट डाटाबेस ट्यूटोरियल जो मैं आप लोग को पार्ट वाइज के साथ सिखाया। अगर आप लोग को इस पेरोल पार्ट वाइज ट्यूटोरियल में कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।